पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे, डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 230 रुपये 24 पैसे, डीजल की कीमत 236 रुपये होगी। नई कीमतों का इतलाक फौरन लागू। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ का कौम से खिताब, बोले आलमी मंडी में कीमतें कम होती रहीं तो पेट्रोल मजीद सस्ता करते रहेंगे। सर मंडवाते ही ओले पड़े, तबाहशुदा मईशत मिली। हुकूमत संभाली तो महंगाई और तेल की आलमी कीमतें अरूज पर थी। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली होने के बावजूद पेट्रोलियम कीमतें कम की। साबिक हुकूमत ने IMF से सख्त शरायत पर माहदा किया और फिर उस माहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम किए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि आखिर यह हुकूमत किस बेवकूफ़ बना रही है। शहबाज शरीफ हमेशा गलत आदाद व शुमार बताते हैं। इलेक्शन की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई हैं। 1 अगस्त को हुकूमत दोबारा पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ा देगी। लोग शहबाज शरीफ को अफलातून समझते हैं। 3 माह में असलियत खुलकर सामने आ गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुल्तान और DIG खान के जलसों से खिताब, बोले अमेरिकी साजिश से चोरों को मुसलत किया गया, कोशिश करके भी जरदारी और नवाज शरीफ को सजा नहीं दिला सका। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत तकलीफ हुई है। सवाल उठाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सदर के मुआसरे पर तहकीकात नहीं करानी चाहिए, आपने तो रात 12 बजे अदालतें खोल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसले में कहा कि इमरान खान और उनके साथियों ने आईन तोड़ा है। मरे नवाज कहते हैं कि सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के जाती मुलाजमों का किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इन पर गिरदारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात पर हैं। मजीद बोले पिंकी पीदनी का बेटा 4 साल में लखपति से खरबपति हो गया। कितना खान पंजाब में किस मुँह से वोट मांगने आता है, इसने पंजाब को फरागोगी और पिंकी पिन्नी के सिवा दिया ही क्या है। इसने फरागोगी का नाम जहाद रखा हुआ है। वफाकी कैबिनेट का इजलास आज होगा। 4 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। गैर मुल्कियों, सलाबी सूरत हाल और राबता कमेटी के फैसलों के नुकात कैबिनेट एजेंडा में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है। चिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर इस्तीफ़ा दे दें, वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने के पाबंद है। सदर आरिफ अली और इमरान खान ने आईन से खिलवाड़ किया। अदालती फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। कैबिनेट ने इजाज़त दी तो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करे। आज कैबिनेट इजलास में अदालती फैसले के बाद कार्रवाई पर मुशावरत होगी। सराय थल के हाकिम वाली हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के जिगरे गोशा हजरत सुल्तान फियाज़ुल हसन से चौधरी बिशर रंधावा की मुलाकात, मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। बहू सुल्तान के सब मानने वालों को लाला तहर की भरपूर सपोर्ट करने की हदायत कर दी। ज़िमनी इंतखाबात हलका PP 282 मलिक रियाज गरवां के बाद जारी। आज़ाद उम्मीदवार मलिक रियाज गरवां की सादगी, शराफत, इखलाक की सलाहियत और साहिब ज़र्फ़ ने अवाम को अपना ग्रोविदा बना लिया। सियासी तारीख के शहनशाह अवामी लीडर चौधरी असगर अली गुजर की क़ियादत, गुजर बरदरी का मलिक रियाज का भरपूर साथ देने का अज़म। सियासी और समाजी शख्सियत जुहेब बशीर गुजर एडवोकेट का अपने साथियों के मरा मलिक रियाज गरमा की भरपूर हमायत करने और साथ देने का ऐलान।